हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं किशन और कंप्यूटर ज्ञान में आज मैं आपको बताने वाला हूं फेसबुक आईडी को हैक किस तरह से किया जाता है। किसी भी फेसबुक आईडी को हैक करने के लिए आपको उसके आईडी पासवर्ड होने चाहिए, तब जाके आप उसको हैक कर सकते हो। जिस साइट को मैं बता रहा हूं उससे, वैसे तो बहुत सारे टूल होते हैं, पर सबसे पहले नॉर्मल जिससे अपन, अगर आपके पास आईडी है तो आप उसको हैक कर सकते हो। इसके लिए फ्रेंड्स आपको एक वेबसाइट याद रखनी होती है, उस वेबसाइट का नाम है zshadow.com। ये वेबसाइट होती है जिससे आप फेसबुक को हैक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको zshadow लिखना है। इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, यानी कि आपको इस पर रजिस्टर करवाना होता है। इसके लिए साइन अप हियर ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना होता है। अगर आपको इससे किसी वेबसाइट को हैंग करना है या फिर हैक करना है, तो उसके लिए आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन आता है, इससे पहले यहाँ पे साइन अप आता है, तो इस पर क्लिक करोगे आप। सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज़र नेम सेलेक्ट करना होता है, जैसे मैं कोई भी यूज़र ले लेता हूँ, यूज़र नेम ले लेता हूँ। उसके बाद पासवर्ड डालने होते हैं, आप मोबाइल नंबर भी यूज़ में ले सकते हैं। वापस रिपीट करने होते हैं, यहाँ पे मेल आईडी डालनी होती है, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन एज वगैरह आप सेलेक्ट कर लो, कंट्री सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। और साइन इसको कंप्लीट करके साइन अप पे क्लिक करना होता है। इसमें ये इमेजेस सेलेक्ट करके वेरीफाई करवानी होती है। जैसे आप आईडी बनाते हैं, फिर आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालना होता है और पासवर्ड डालना होता है और लॉगिन करवाना होता है। इस तरह से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। अब अगर आपको फेसबुक हैंग करनी है, तो सबसे पहले फेसबुक लिखा हुआ है, इस पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, इंग्लिश पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ लिंक मिलेगी आपको, उसको आपको कॉपी करना होता है। और यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, फिर आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है नई टैब के लिए, कंट्रोल टी प्रेस करना है, या फिर यहाँ से आपको नई टैब ले सकते हो। कंट्रोल टी प्रेस करोगे, उसके बाद कंट्रोल वी, यहाँ पे उसको लिंक को पेस्ट करना होता है कंट्रोल वी से, देन एंटर प्रेस करना होता है। डायरेक्ट ये फेसबुक लॉगिन मांग लेगा। यहाँ पे आपको अपनी एफबी आईडी डालनी है, जब भी आपकी आईडी है वो आप यहाँ पे डाल दोगे और पासवर्ड भी डाल दोगे। इससे आप फेसबुक की पासवर्ड भी पता कर सकते हो। जैसे ही फेसबुक लॉगिन होगी, यहाँ पर वो विक्टम में यहाँ पे आपको रिफ्रेश करवाना है, यहाँ पे विक्टम ऑफ टुडे में यहाँ पे वन शो कर देगा, यानी कि एक आईडी आपकी उसमें ऐड हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर आपको पता करना है कि आपने कौन सी आईडीज को ब्लॉक कर रखा है, तो यहाँ पे माय विक्टम ऑप्शंस आता है, इस पे जाके आप देख सकते हो आपने कौन सी आईडी को ब्लॉक कर रखा है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे तो जो जो आईडीज आपने ब्लॉक कर रखी है वो यहाँ पे शो करता है, उसके पासवर्ड क्या है वो भी बता देगा, और फिर आप इनको यहाँ से हटा सकते हो सेलेक्ट करके। इसे यहाँ से रिमूव कर दोगे, फिर वो फेसबुक आईडी वापस लॉगिन हो जाएगी। फ्रेंड्स, इससे आप फेसबुक आईडी भी पता कर सकते हो और उसके पासवर्ड भी पता कर सकते हो। फिर एंटर करवाना होता है, तो अब आपकी इस पर एफ बी लॉगिन होने लग जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी एफ बी को हैक भी कर सकते हो और वापस उसको रिमूव भी कर सकते हो। पर इसके लिए आपको इस वेबसाइट को यूज़ में लेना है। ये 15 डेज़ के लिए किसी भी विक्टम को ऐड करता है, यानी 15 डेज़ बाद वो विक्टम ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। 15 दिन तक आप इसको यूज़ में ले सकते हो, 15 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो विक्टिम वहाँ से हट जाएगा या रिमूव हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी फेसबुक को
हटा सकते, ये देखो वापस हट गई है यहाँ से, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, और अगर किसी को ऐड करोगे तो आप यहाँ पे शो कर देगा। तो इसके लिए आपको उसकी आईडी और पासवर्ड दोनों की ज़रूरत होती है, और इस पर भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, फिर आप उनको हैक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।